हे व्हाट्स अप, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। जी हाँ, आज हम लोग पहुँचेंगे उमलिंगला, ये वादियाँ उमलिंगला की ओर जाते हुए। और आज उमलिंगला बोले तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, आज वहाँ पहुँचेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। पहुँचने से पहले मैं एक बार आप लोगों को ये वादियाँ भी दिखा दूँ कि जब हम हानले से उमलिंगला के लिए जाते हैं वाया फोटिला तो कैसा रूट है। देखो यार, ये वादियाँ आती हैं, बहुत अच्छा रोड है, मस्त मलाई एकदम आगे से आगे। और ये राइट साइड में आप देखो, ये मतलब ऊपर से जो बर्फ़ खिसक के नीचे आ जाती है तो नीचे वाले पोर्शन में ऐसे बर्फ़ पड़ी रहती है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कुछ और पड़ा है, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो भाई ये बर्फ़ है और यहाँ पड़ी है। फिर आगे टर्न होने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नहर सी सूखी हुई है। लो जी, हमारी गाड़ी टाटा नेक्सॉन, इसके तो घोड़े खुल गए हैं जी। ये नहीं चढ़ रही ऊपर और इसकी बैंड बज गई है। टाटा थोड़ी थोड़ी यहाँ पे फेल होती नज़र आई और मेरी खुद की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। ओहो यार, लेकिन एक बात मानने की है कि यहाँ पे बाइक ना थोड़ी दबती है, लोड लेती है, मेरी बाइक भी ले रही है, तो टाटा का तो पता ही नहीं क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया, टाटा की गाड़ी मैंने पीछे भी देखी थी, वो भी दब रही थी और ये भी दब रही है, डीजल की गाड़ी है तो ये भी दब रही है। मेरे हिसाब से यहाँ सिर्फ 4x4 और एक अच्छे बड़े इंजन की गाड़ियाँ ही सक्सेसफुल हैं, क्योंकि एयर प्रेशर इज़ वेरी लो। तो अपने डेस्टिनेशन के और नज़दीक आते हुए हम लोग टाटा जी हाँ, और ये फाइनल कट हम लोगों ने ले लिया है। और अब कुछ ही मीटर्स में हमारे सामने है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। जी हाँ देवी और सजनों, अपना दिल थाम के बैठो, हम पहुंच ही गए हैं। यार आज उमलिंगला फाइनली क्या बात है, पहुंच गए भाई साहब। भाजी तुसी कब आए? सुनो भाई, मेनू हो गए 15 मिनट आके। ओ चकते ओ बदला गल हो रहा है। सो वी आर एट उमलिंगला और पहुंच गए जी उमलिंगला। हैप्पी, चलो भाई कांग्रेचुलेशन, हैकिंग एट 19024 बिट। यस बहुत बढ़िया, वो यार डन बावड़ा की वापस चला गया, 10 मिनट रुक नहीं सकता था। सांस भूल गई थी। तो ये था ना ऑक्सीजन कैफे, बंद है सब बंद है, कुछ नहीं खुला। तो चलो फिर जल्दी चलेंगे, फोटो खींच लो, ब्लॉग बना लो। हां व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे आप लोग? फाइनली जिस सोच के साथ चले थे उस सोच को पूरा करते हुए टीम आ रही थी के कड़क लौंडे, कड़क राइडर्स दमन गौरव अभी निकल गया। टेम्परेचर काफी डाउन है और सौरव एंड सैंडी, ए सैंडी भाई ये देखो, ये अपना चीता पहुंच गया है उमलिंगला और ये खुशी में नाचा जा रहा है, क्या बात है। ये बात भाई, इजी नहीं था। हमने जो भुगता सबसे पहले पेंगोंग पहुंचने में और उसके बाद आगे चुसुल से आगे क्रॉस करने के बाद देन आगे भी काफी अवरोध मिला, लेकिन रुके नहीं,
वी वर ऑन द ट्रैक, क्योंकि माइंड में ना सोचा हुआ था कि उमलिंगला द हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,024 फीट यहाँ आने का है और अपनी बाइक को यहाँ खड़े करने का है। हम वो नहीं जो भाई घर से सोच के कुछ निकले और करके कुछ निकले, जो सोचा है वो किया जाएगा। इस जहाज को जहाँ पहुँचाना है ना वहाँ पहुँचाया जाएगा, भले एक दो दिन प्लस हो, क्योंकि जान है तो जहान है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ड्राइव विथ पीस, माइंड पीस। और ये अपना चीता, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को क्लोज। वी आर हैप्पी, वी विल शूट समथिंग। पीछे से देखो वहां स्नोफॉल होने की पूरी कगार है, यहाँ आ गया तो यही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर टॉप पे कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बर्फ ऑलरेडी है। दोनों भाई पहुंचे हैं उमलिंगला टॉप के। लिंगला बहुत देर से लिंगला लिंगला हो रहा था, अब जाए। दो पास क्रॉस करके आए हम लोग, है ना, एक पास क्रॉस किया, एक फोटूला फोटीला फोटूला भाई साहब। मैं तो उसी में खुश हो गया था कि अपना हो गया, मुझे कहा था अपना क्रॉस करके। गाड़ी में ना बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये पास है, दिखा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा नीचे से। ये पास है भाई, बहुत खूबसूरत है देखने में, बट सांस फूल रही है और बहुत दम लग रहा है बोलने में, तो कम ही बोलेंगे। वो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड टूल लगा, भाई चला गया वहाँ पे। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं स्नोफॉल फाइनली शुरू हो चुका है, स्नोफॉल हो गया भाई। देखो ये देखो ये देखो देखो थोड़े थोड़े अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वादियाँ और ये हसीन नज़ारे पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखें। बस अपना प्यार यूं ही हमारे ऊपर बरसाते रहें और हम ऐसे ही वीडियोज़ बना बना के आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। क्यों सैंडी, है ना यार, देख क्या मस्त नज़ारे हैं। आय हाय, यहाँ से सिर्फ हसीन वादियाँ ही दिख रही हैं। चलो जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे।